सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, क्या ही। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप। और तो गाइस, आज मौसम की बात करें तो आज बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। बाकी व्यूज़ की बात करें तो आप देख ही सकते हैं, मतलब कि सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, क्या ही बोले दोस्तों। बाकी गाइस, आप वीडियो में बने रहिए, अभी आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी गाइस, मैं आपको अपने गौशाला की तरफ लेकर चलता हूँ, जहाँ हमारे पशु को रखा जाता है। हमारी पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं उबरा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके क्या बोलते हैं। बाकी जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हमारे दो बैल, ये एक गाय, जर्सी गाय। बाकी और लेकर चलता हूँ आपको दूसरे ऊपर की तरफ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों। ये हमारी प्यारी गौ माता है। बाकी गाइस, आपको और आगे लेकर चलता हूँ। बाकी आप जैसे कि सामने देख ही सकते हैं, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं छान, जहाँ पे घास को रखा जाता है। जो ही मचल से होगी उनको पता ही होगा, बारिश से बचने के लिए यहाँ पे घास को रखा जाता है। मतलब कि आप एक तरह से इसको घास का स्टोर भी कह सकते हैं। बाकी आप सामने देख ही सकते, अखरोट का पेड़ लगा हुआ है। बाकी गाइस, आप देख ही सकते हैं, हमारे घर के ऊपर एकदम सामने हनुमान मंदिर दिखाई देता है। गाइस, हम आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय बोले, जय शंकर।